हाय गाइस, हम में से ज्यादातर लोग अपनी यादों को कैप्चर करने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी कभी हमारे अनजाने में इन कैमरास में कुछ ऐसे वीडियोस कैप्चर हो जाती है जो शायद हमारे इस दुनिया में घट रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को और भी ज्यादा बढ़ावा देती है। तो आज हम सब लोग मिलकर ऐसे ही 5 वीडियोस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आप लोगों की पैरानॉर्मल घटनाओं के ऊपर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिफोर वी विल स्टार्ट अवर दिस वीडियो, लेट्स स्क्रॉल आउट द इंट्रो। नंबर 5 पे हमारे पास है एक्सप्लोडिंग विद डैनी द्वारा रिकॉर्ड की गई एक वीडियो। डैनी एक हॉन्टेड हाउस में सुबह के ठीक 3 बजे वहां घट रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। ये वीडियो मोस्टली एक नाइट विजन कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि जिस हॉन्टेड हवेली में डैनी गई थी वहां के सारे लाइट डेड थे और वहां के लोकल लोगों का कहना था कि उस हवेली में आज भी उसके मालिक यानी डेविड की आत्मा घूमती है। डैनी जब उस घर को एक्सप्लोर करने के लिए उसके अंदर दाखिल होते हैं तब से ही उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है। उस वीडियो में लगभग 3 मिनट 40 सेकंड बाद किचन में रखा एक कप अपने आप ही गिर जाता है। Go on, keep doing it. I'm here again. It's me from last time. Oh my God. वीडियो में करीब 6 मिनट 20 सेकंड गुजरने के बाद डैनी के सामने मौजूद एक डोर अपने आप ही खुल जाता है। इस घटना के बाद जब वीडियो में 7 मिनट 40 सेकंड गुजर जाते हैं तब अचानक से एक कांच की बोतल उस घर के सीढ़ियों में टूटती हुई दिखाई पड़ती है। Are you here, David? Are you upstairs? Oh my God! Whoa! I am sorry, David. I'm sorry that they dragged me, David. David, please don't get me of it. इन सारी घटनाओं के बाद जब वीडियो में 10 मिनट 10 सेकंड गुजर जाते हैं तब डैनी के कैमरे में एक डरावनी और रहस्यमय आवाज रिकॉर्ड होती है। I'm sorry, David. पर सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता। इन सारी घटनाओं के बाद जब वीडियो में 16 मिनट गुजर जाते हैं तब डैनी के सामने मौजूद एक कमरे में रखा हुआ फर्नीचर भी अपने आप ही गिर जाता है। Guys, if you see anything, put it in the comment section. इन सारी घटनाओं के पीछे क्या डेविड के आत्मा का हाथ है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नंबर 4 पे हमारे पास है नो स्लिप नामक एक वीडियो क्लिप, जो कि यूएस के एक पुलिस ऑफिसर द्वारा अपने ही मिशन के वक्त अपने ही एक्शन कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी। इस पुलिस ऑफिसर को एक अबैंडोनेड घर के पड़ोसियों से इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस घर में अपने आप ही शीशा टूट जाने की आवाज आ रही थी। इस घटना की सच्ची कहानी को जानने के लिए वो पुलिस ऑफिसर उस घर में अपने एक्शन कैमरे के साथ दाखिल होते हैं। दाखिल होने के साथ साथ ही उनका अपने सामने के कमरे से किसी महिला की रोने की आवाज सुनाई देती है, पर तभी उनके साथ एक बेहद ही खौफनाक और डरावना हादसा घटता है जो कि उसके कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाती है। वो
Police department, anybody in here? Show your hands. Make yourself known. इसके बाद उनको एक लाश मिलती है और तभी उनके पीछे से एक दरवाजा भरने की आवाज आती है और एक आकृति उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद उनको उसी घर के एक और कमरे में वही आकृति दोबारा दिखाई देती है और उन पर हमला बोल देती है। तो इस वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है, अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3 पे हमारे पास है मार्क एप्सिलन नामक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर द्वारा रिकॉर्ड की गई एक वीडियो। उनका दावा है कि उनका घर एक बेहद ही खतरनाक चुड़ैल द्वारा पजस्ड है। इस वीडियो के अंदर जब मार्क एप्सिलन अपने वीडियो डायरी के लिए डेली व्लॉग्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब उनके कैमरे में एक बेहद ही डरावनी आकृति अचानक से रिकॉर्ड हो जाती है। Where this Dallas train came from. No idea how it moved from there to over here. इसके बाद वही आकृति उनको घूरती हुई दिखाई पड़ती है, पर तब उनका ध्यान कैमरे की तरफ ना होने की वजह से वो उसको इग्नोर कर देती है। नंबर 2 पे हमारे पास है हसन बारबार नामक एक घोस्ट हंटर द्वारा लाइव अपने कैमरे में रिकॉर्ड की गई एक वीडियो। इस वीडियो में हसन एक अबैंडोनेड हॉन्टेड हाउस में रात के ठीक 2 बजे अकेले एक्सप्लोरेशन करने के लिए जाता है। वीडियो में करीब 7 मिनट गुजरने के बाद उनको उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से एक काली रंग की शैडो गुजरती हुई दिखाई पड़ती है। इसके बाद उनको दोबारा से वही काली साया घूरती हुई दिखाई देती है, पर इन सब साइटिंग्स के करीब 4 मिनट 20 सेकंड बाद उनके ऊपर कोई चीज अचानक से आकर गिर जाती है। क्या ये सारी घटना इसी पे की इत्तेफाक थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1 पे हमारे पास है रिचर्ड द्वारा रिकॉर्ड की गई एक वीडियो। इस वीडियो के अंदर रिचर्ड अपने घर के विंडो से बाहर झांक रहा होता है और तभी उनके कैमरे में एक भयानक सा क्रिएचर कैप्चर हो जाता है। दिखने में तो ये क्रिएचर सफेद रंग का होता है और उसके शरीर पे एक भी बाल नहीं होते। हालांकि ये क्रिएचर रिचर्ड के घर के ज्यादा पास आकर उसको कोई हानि तो नहीं पहुंचाती, पर ये एक रियल लाइफ क्रॉलर सेटिंग जरूर हो सकती है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो इन 5 वीडियोस के अंदर कौन सा वीडियो आपको सबसे ज्यादा डरावना और रहस्यमय लगा? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आने वाले वीडियोस के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे भी कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाल रंग की घंटी बजाना मत भूलना। जय हिंद।